तो आज का हमारा टॉपिक हैज़ टू, हैव टू और हैज़ टू। तो ये वाक्य वो वाक्य हैं जिसमें हमारी इच्छा के विरुद्ध कार्य करना पड़ता है। जैसे हमें गाना गाना पड़ता है, हमें ऑफिस जाना पड़ता है, हमें रोटी बनानी पड़ती है, हमें किताब पढ़नी पड़ती है, हमें दौड़ना पड़ता है। इस प्रकार के जो सेंटेंस होते हैं ये मजबूरी वाले का होते हैं, हमारी इच्छा तो होती नहीं लेकिन हमें जब भी करने पड़ते हैं। तो आइए पहला एग्जाम्पल देखते हैं। मुझे जाना पड़ता है, तो इसमें बोलेंगे आई हैव टू गो, मुझे जाना पड़ता है, मुझे मेरी मजबूरी है, मुझे जाना पड़ता है, आई हैव टू गो। सेकंड है मुझे स्कूल जाना पड़ता है, आई हैव टू गो टू स्कूल। तो इसमें जो हैव टू का प्रयोग हुआ है ये जाना पड़ता है मतलब पड़ता है हमें, हमारी मजबूरी है, इसलिए इसमें हैव का प्रयोग हुआ है। आई के साथ हैव का प्रयोग होगा, ये प्लूरल है। तो नेक्स्ट देखते हैं, मुझे हिंदी बोलनी पड़ती है, आई हैव टू स्पीक हिंदी, मुझे हिंदी बोलनी पड़ती है, मेरी मजबूरी है हिंदी बोलनी। नेक्स्ट देखते हैं, उसे जल्दी उठना पड़ता है, उसे जल्दी उठना पड़ता है, उसकी इच्छा नहीं है लेकिन उसे जब भी उठना पड़ता है जल्दी। तो ये बनेगा ही हैज़ टू गेट अप अर्ली। नेक्स्ट होता है हमारा नेगेटिव सेंटेंसेस। तो देखते हैं, मुझे जल्दी नहीं उठना पड़ता है, तो ये बनेगा आई डू नॉट हैव टू गेट अप अर्ली। तो आपको ये पता लग रहा होगा ये प्रेजेंट इंडेफिनिट में बना है, इसलिए इसमें डू का प्रयोग हुआ है, डू नॉट का। तो फिर इसमें हैव टू का प्रयोग हुआ है लेकिन मजबूरी है इसलिए इसमें हैव टू का प्रयोग हुआ है। जो प्रेजेंट इंडेफिनिट के सेंटेंसेज में डज नॉट और डू नॉट का प्रयोग होगा। तो नेक्स्ट देखते हैं, तुम्हें हापुड़ नहीं जाना पड़ता है, तो ये बनता है यू डू नॉट हैव टू गो टू हापुड़, तुम्हें हापुड़ नहीं जाना पड़ता है। नेक्स्ट देखते हैं, उनको पत्र नहीं लिखना पड़ता है, दे डू नॉट हैव टू राइट ए लेटर। नेक्स्ट देखते हैं, उसे घंटी नहीं बजानी पड़ती है, सी डज नॉट हैव टू रिंग द बेल, उसे घंटी नहीं बजानी पड़ती है। जब नेगेटिव सेंटेंसेस होते हैं तो उनमें हैव टू का ही प्रयोग होता है, ना कि हैज टू का। तो नेक्स्ट देखते हैं पास्ट में, पास्ट में देखते हैं, पास्ट में हमारा जो लगते हैं वो लगते हैं हैड टू का प्रयोग होता है इनमें। तो पहला एग्जाम्पल देखते हैं, हमको गाली देनी पड़ी, हमको गाली देनी पड़ी, तो ये पास्ट में पहुंच गया। तो इसे बनाएंगे हम वी हैड टू एब्यूज, हमको गाली देनी पड़ी लेकिन हमारी इच्छा नहीं थी लेकिन हमें जब भी गाली देनी पड़ी। तो नेक्स्ट बनेगा, मुझे बच्चों को डांटना पड़ा, तो ये बनेगा आई हैड टू स्कोल्ड द चिल्ड्रन, स्कोल्ड मीन होता है डांटना, हमारी इच्छा नहीं थी लेकिन हमें डांटना पड़ा। नेक्स्ट देखते हैं, मुझे ऑफिस जाना पड़ा, आई हैड टू गो टू ऑफिस। इसमें जो गो के बाद टू का प्रयोग हुआ है ये दिशा बताने के लिए हुआ है कि ऑफिस जाना पड़ा, कहीं भी जाने के लिए टू का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, तुम्हें किताब पढ़नी पड़ी, यू हैड टू रीड बुक, तुम्हारी इच्छा नहीं है किताब पढ़ने की अभी तो तुम्हें पढ़नी पड़ी, तो इसे इसलिए हम इसे बनाएंगे यू हैड टू रीड बुक। नेक्स्ट देखते हैं नेगेटिव सेंटेंसेस। तो पहला नेगेटिव सेंटेंस देखते हैं, पहला होता है तुम्हें तेज नहीं दौड़ना पड़ा, तो ये बनेगा यू डिड नॉट हैड टू रन फास्ट। देखिए इसमें डिड नॉट का प्रयोग हुआ है, ये हमारा बनता है पास्ट इंडेफिनिट में, ये पास्ट वाले जो हैं ये हमारे पास्ट इंडेफिनिट में बनेंगे इसलिए इनमें डिड नॉट का प्रयोग हुआ है। नेक्स्ट देखते हैं, रोहन को कपड़े नहीं धोने पड़े, तो ये बनेगा हमारा रोहन डिड नॉट हैड टू वॉश द क्लोथ्स। तो नेक्स्ट देखते हैं, मुझे रोना नहीं पड़ा, आई डिड नॉट हैड टू वीप, मुझे रोना नहीं पड़ा। नेक्स्ट देखते हैं, मुझे ऑफिस नहीं जाना पड़ा, आई डिड नॉट हैड टू गो टू ऑफिस। आपने इन सेंटेंसों में देखा होगा कि इसमें सिंगुलर हो या प्लूरल, इसमें डिड का ही प्रयोग हुआ है। पास्ट इंडेफिनिट के जो सेंटेंस होते हैं उनमें एकवचन हो या बहुवचन, उसमें डिड का ही प्रयोग होता है नेगेटिव सेंटेंसेस में। नेक्स्ट देखते हैं फ्यूचर, इनमें होता है विल हैव टू और शैल हैव टू। तो पहला सेंटेंस देखते हैं, तुम्हें यहाँ बैठना होगा, तो ये बनेगा यू विल हैव टू सिट हेयर, तुम्हें यहाँ बैठना होगा या बैठना पड़ेगा। तो इसमें देखिए विल हैव टू का प्रयोग हुआ है आई के साथ, शैल हैव टू और बाकी सभी के साथ विल हैव टू का प्रयोग होगा, आई और वी के साथ शैल हैव टू का प्रयोग होगा। तो नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं, मुझे पैसे बचाने पड़ेंगे,
तो ये बनेगा आई शैल हैव टू सेव मनी, मुझे पैसे बचाने पड़ेंगे। तो नेक्स्ट देखते हैं, उसे यह काम करना पड़ेगा, तो ये बनेगा ही विल हैव टू डू दिस वर्क, उसे यह काम करना पड़ेगा, उसकी मजबूरी है, करना पड़ेगा उससे। तो नेक्स्ट देखते हैं, मुझे रोना पड़ेगा, तो ये बनता है आई शैल हैव टू वीप। तो नेक्स्ट देखते हैं नेगेटिव सेंटेंसेस, तो ये पहला देखते हैं, तुम्हें यह काम नहीं करना पड़ेगा, तो ये बनता है यू विल नॉट हैव टू डू दिस वर्क, तुम्हें यह काम नहीं करना पड़ेगा। तो नेक्स्ट देखते हैं, हमें दौड़ना नहीं पड़ेगा, तो ये बनता है वी शैल नॉट हैव टू रन, हमें दौड़ना नहीं पड़ेगा। नेक्स्ट देखते हैं, मुझे गीत नहीं गाना पड़ेगा, तो ये बनेगा आई शैल नॉट हैव टू सिंग ए सॉन्ग। नेक्स्ट देखते हैं, तुम्हें यहाँ नहीं बैठना पड़ेगा, यू विल नॉट हैव टू सिट हेयर। इन नेगेटिव सेंटेंसों में देखिए, विल और शैल के तुरंत बाद नॉट का प्रयोग होगा, फिर हैव टू का प्रयोग होगा। आशा करता हूँ आपको यह टॉपिक पसंद आया होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए विदा लेता हूँ। थैंक यू, धन्यवाद।